बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी में एक शुष्क वाष्प निम्नचाप प्रस्थान कर रहा है। अगमी 12 घंटे में एक गहरे अवसाद में बदलने की संभावना जताई जा रही है। या गहरा अवसाद शनिवार शाम को दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात में भी बदल सकता है। शुक्रवार को मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई। उन्होंने बीते की रविवार तक यह अवसाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। सोमवार को यह दिशा बदलेगा और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। शनिवार को बंगाल की दक्षिण और मध्य खाड़ी में इसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने की भी संभावना है। এই মুহূর্তে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অবস্থান করছে। আগামী 12 ঘন্টায় এটি আরও শক্তিশালী হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। 16 তারিখ সন্ধে নাগাদ এটি আরও ঘনীভূত হয়ে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগ সেখানে এটির ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, অর্থাৎ সাইক্লোনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে 16 তারিখ সন্ধে নাগাদ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে। মুভমেন্ট ইনিশিয়ালি মানে শুরুতে এটা উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাবে এবং এই উত্তর পশ্চিম দিকে মুভমেন্টটা 17 তারিখ অবধি কন্টিনিউ হবে। 17-র পর থেকে ঘূর্ণিঝড় তার অভিমুখ পরিবর্তন করে একটু বাঁক নেবে এবং উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে উত্তর বঙ্গোপসাগরের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাবে। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को।